Back to SIS classes. My name is Shaisa Parveen and you are watching SIS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is the matter. In this video we learn about explanation of change of state of matter on the basis of kinetic theory of matter. So I can inform you, if you are new to my channel, to do subscribe my channel and also press the bell icon so you would never miss my upcoming video. तो जल्दी से मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो में पढ़ाना चाहती हूँ. जो मेरा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. तो बेटा, आप लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से कि मैटर क्या होता है, उसके बेसिकली कितने जो है मॉलिक्यूल में वो डिवाइड होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं. और हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया था, हम लोगों ने देखा था कि मैटर की जो है थ्री स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि आप लोग क्लास सिक्स से पढ़ते चले आ रहे हो. सो आपके वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी जो है किसी मैटर के ऊपर काम करती है. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, तीनों लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस, इन तीनों के ऊपर जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है वो किस तरीके से वर्क करती है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है. चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग, विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. आप लोग क्लास सिक्स से पढ़ते चले आ रहे हो कि जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, मान लो आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, बर्फ़ के टुकड़े से पानी में बदल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. यानी कि बर्फ़ क्या होती है, घुलती है, मेल्ट होती है, और वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में. तो जब कोई भी सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में आता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, है ना. अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. तो काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी किसी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि एक निश्चित तापमान पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग. अब वो जो टेम्परेचर होता है वो हर स्टेज के लिए, लाइक बर्फ़ के लिए 100 डिग्री हो सकता है, लाइक 90 हो सकता है, 70 हो सकता है. तो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, वेरीज कर सकता है अलग अलग फॉर्म में. अब है कि ऑन हीटिंग सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है. हीट एनर्जी सप्लाइड होती है सॉलिड के मॉलिक्यूल में और वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल, और उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को वो स्टोर कर लेते हैं. हीटिंग इंक्रीज द इंटर मॉलिकुलर स्पेस. हमने पढ़ा था कि सॉलिड की क्या क्वालिटी होती है, सॉलिड के बीच इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच खाली जगह नहीं होती है. लेकिन जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, तो मेल्ट, उसके अंदर फ्यूज़न होता है. जब फ्यूज़न होता है तो आप लोग देख रहे हो इस डायग्राम में कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच कितनी ज़्यादा गैप हो गया. जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड होने के बाद इसके मॉलिक्यूल के बीच कितनी खाली जगह हो गई, ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो खाली जगह है उसमें मॉलिक्यूल हमारे रैंडमली क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं. सो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटर मॉलिकुलर स्पेस. जितनी ज़्यादा हमारी जो है मॉलिक्यूल के स्पेस इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच का वो घटेगा. सॉलिड की क्या क्वालिटी थी कि इसके बीच जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्टली पास पास होते हैं, है ना. लेकिन जब इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ कि इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस था, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर गए, तो इनके बीच जो है क्या हुआ, इनके बीच जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स था वो भी तो कम लगेगा, है ना, वो भी तो डिक्रीज करेगा. एंड सो मॉलिक्यूल बिकम फ्री एंड सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. और फिर क्या होता है, जब मॉलिक्यूल दूर दूर हटने लगते हैं उसके बाद क्या होता है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में चेंज होना. ओके तो ये था हमारा छोटा सा डायग्राम, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड. वाइस वर्सा मीन्स मतलब क्या है कि दोनों में हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है. तो अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही होगा कि क्या होगा कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे, फिर से वो सॉलिड का रूप लेने लगेगा. तो उसके अंदर जिस सारी जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पर लिक्विड में जब वो चेंज हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था अट्रैक्शन ऑफ फोर्स. जब वो सॉलिड में जाएगा तो उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज़ करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा मेल्टिंग में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो फ्यूज़ होते हैं, यानी कि उनके बीच जो होता है गैप ज़्यादा बढ़ता है, फ्यूज़न होता है. लेकिन सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा कि वो फ्रीज होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइटली कम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे.
सो अब हम लोग देखते हैं लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट में क्या है कि द प्रोसेस. अभी हम लोगों ने देखा कि सॉलिड स्टेट से कोई भी मैटर किस तरीके से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था. अब हम लोग को देखना है कि कैसे कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है. सो यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड, जैसे मैं बात करूँ वाटर की, पानी आप लोग लो और पानी को क्या करो कि फ्रीजर में जब हम लोग रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में. ठीक है. सो ये प्रोसेस जो होता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलेंगे या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे. यानी कि वो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं. ओके. और जब आप लोग इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, ऑन कूलिंग लिक्विड एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो होगी वो रिलीज होगी, बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी के फॉर्म में ही क्या होगी, बाहर निकलेगी. ओके. फिर है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी. इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल के बीच जो खाली जगह होगी वो भी घटेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स का वो बढ़ेगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, क्योंकि वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, इस वजह से उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ेगा. एंड सो मॉलिक्यूल आर हेंस नॉट इज पोजिशन टू बी फ्री माइग्रेट. इसी वजह से मॉलिक्यूल को अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करने का, रैंडमली मूवमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा. ठीक है. सो फ्री और माइग्रेट लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग टू, और उसके बाद फिर जो लिक्विड था वो चेंज हो जाएगा हमारा सॉलिड स्टेट में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. अब कैसे कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहला है कि प्रोसेस वो जिसमें चेंजिंग होता है स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, यानी कि लिक्विड से गैसेस में या फिर वेपर में, भाप में, ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन. नाम याद को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है. अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट है हमारा कि ऑन हीटिंग लिक्विड, जब आप लोग किसी लिक्विड को लाइक वाटर को, लाइक किसी भी चीज़ को, दूध वूध को आप लोग क्या करोगे, हीट करोगे एट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. उसको क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट. जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं कि फ्रीज करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे फ्रीज करते हैं. तो हीट एनर्जी सप्लाइड करेंगे तभी तो वो हीट होगा, गर्म होगा तभी तो भाप बनेगा, है ना. और लिक्विड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते मॉलिक्यूल जो है वो स्टोर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को. और यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा दो मॉलिक्यूल के बीच का वो बढ़ेगा ड्यू टू द स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आपको याद रखना है जब भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, जब भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा लिक्विड के इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, स्टोर होगी. जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा, डिस्टिंगली टिल बिकम ऑलमोस्ट नेलिजिबल, या तो ना के बराबर हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड से हम जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो और दूर 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 जाएंगे और वो भाप बन करके क्या होंगे, उड़ेंगे. यानी इनको ज़्यादा मौका मिलेगा रैंडमली मूवमेंट करने का. और इनके बीच जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो टकराव भी ज़्यादा होगा, रैंडमली मूवमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, है ना. तो ऐसे रिजल्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि मॉलिक्यूल दस बिकम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री. ये फ्री कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और एस्केप एज गैस, और चेंज हो जाएंगे गैस में. एंड ठीक है, दे कैन नॉट रिमेन इन लिक्विड स्टेट, और फिर ये लिक्विड स्टेट में नहीं रह जाएंगे, है ना. यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये वेपराइज हो रहा है. इसके मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर इतने दूर थे, अब एकदम दूर दूर फ्रीली मूव कर रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ ये लोग चले जा रहे हैं, है ना. अब जब लिक्विड, देखो गैस से लिक्विड में जो प्रोसेस होता है चेंज होने को, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन. ठीक है, आप लोग को याद रखना है क्या क्या पॉइंट है मैंने आज आपको बताए हैं. पहला तो बताया कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, है ना, और फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर देंगे वाइस वर्सा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े. वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड स्टेट से कोई भी मैटर गैस स्टेट में चेंज होगा, और अगर फिर से गैस से वो लिक्विड में चेंज हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, या फिर लिक्विफिकेशन. तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, कीप वॉचिंग.